हेलो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने फ्रेंड हैं उनको मेरे तरफ से दिवाली मुबारक। जो हिंदू फ्रेंड्स अगर मुझे देखते हैं उनको दिवाली मुबारक, और मुसलमानों को लिए अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो चिकन की रेसिपी है, और ये अरबी फूड है। मैं कुवैत में बनाती थी, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अपना इंडियन लुक दे के, इंडियन टच दे के बनाऊँगी। तो इसके लिए आपको तो पहले चाहिए, मैंने चिकन जो लिया है वो आधा किलो चिकन लिया है, और इसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं, 1 गाजर लिया है, 3 प्याज लिया है, और 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ में, 4 से 5 हरी मिर्च लिया है, और कड़ी पत्ता लिया है। हरी मिर्च इसलिए लिया है कि इंडियन लोग को जो है ना वो तीखा पसंद है, और अरबी फूड आप इसलिए बोलेंगे अरबी फूड में, तो हाँ अरबी फूड में बिल्कुल मिर्ची नहीं पड़ती है। मुश्किल से ये 1 डालेंगे तो भी ठीक है, नहीं डालें तो भी ठीक है, लेकिन हम जो है इंडियन है तो हमें स्पाइसी पसंद है। इसके लिए मैंने इसमें जो थोड़ा सा अपना लुक करा है, और उसमें मैंने जो है हरी मिर्ची डाला है। तो अब इसका मैं तरीका आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से करना है। तो पहले जो है आप ना इस तरीके से पहले इसमें कड़ी पत्ता आप पहले डाल दीजिए। कड़ी पत्ता डालने के बाद जो है आप ये जो आलू है और टमाटर है, इसे वहाँ पे तमाट बोलते हैं, इसे बसल बोलते हैं, इसे बतात बोलते हैं, इसे जजर बोलते हैं, या अरबी में बोला जाता है, ठीक है। तो पहले जो है हम इस चीज़ को, ये जो चीज़ है, इन सब वेजिटेबल बोल दो, इन सब को हम पहले से थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे ताकि ये हमें फीका ना लगे, ठीक है। तो नमक आप अपने हिसाब से डालिए, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। तो इसमें हम पहले नमक डाल देंगे इस तरीके से, ऊपर से नमक हमने डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा। और फिर इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, जो आसानी से मार्केट में भी मिल सकती है, और जिसे खाना है वो खा सकते हैं, और जिसे नहीं खाना वो स्किप कर सकते हैं ब्लैक पेपर को, और मुझे और ब्लैक पेपर, ठीक है। आप लोगों को अगर ब्लैक पेपर चाहिए तो आप डालें, अगर नहीं चाहिए तो इसका स्किप कर सकते हैं, यानी नहीं डाल सकते। तो मैंने छोटा सा आधा चम्मच जो है इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी, इस तरीके से इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, जो ये सब्ज़ी को जो है, और अरबी में खुदरा बोलते हैं सब्ज़ी को, तो ये खुदरा है, और ये सब्ज़ी जो है इसमें जायका आने के लिए थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे हम। और ब्लैक पेपर डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा कस्तूरी मिर्ची जो रेड होती है वो थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची डालेंगे रेड के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक पेस्ट आता है जो टमाटर पेस्ट बोलते हैं, टमाटर का पेस्ट आता है, तो वो पाउच में वो इधर मुझे मिला नहीं, तो मैंने उसको स्किप करी हूँ। फिर थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी अच्छा है, हल्दी डालना चाहिए, तो थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा इसमें खुशबू के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, अपने टेस्ट के हिसाब से डालो, आपको ज़्यादा लगता है नहीं लगता है, बाहर मुल्क में ऐसा मतलब बाहर साइड यानी बाहर कंट्रीज़ में ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो ये भी स्पाइसी होता है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा डालते हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा इसको डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर आप इन सब चीज़ को इस तरीके से आप इन सबको मिला लीजिए, इस तरीके से जो है टमाट हुआ, घी हुआ, इन सब चीज़ को, आलू, बसल, बतात, जो भी है, मतलब ये अरबी भी मैं आप लोगों को नाम बता रही हूँ, और अपने हिंदी में भी जो बोलते हैं वो भी नाम बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी ना, तो आप अगर मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं अरबी रेसिपी जो है और आपको बताऊँगी किस तरीके से अरबी खाना बनता है। बस मैं इसमें थोड़ा सा टच जो इंडियन डाली वो स्पाइसी डाल के, और बाकी सब वही है मसाले वगैरह जैसे डालते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम पहले कांदे को इस तरह से, ये जो है ना ओवन में बनने वाली डिश है, और मैं अभी मेरे पास ओवन है नहीं फिलहाल, इसलिए मैंने इसे ना अपनी इसमें पतीली में बनाकर आपको बता रही हूँ। ये जो भी है ना, ये इसे मरक बोलते हैं, हम सालन बोलते हैं, अरबी लोग इसको मरक बोलते हैं, तो इसको जो है ना मैं पतीली में आप लोगों को बनाती हूँ इंशाल्लाह, क्यों हम नहीं बना के खा सकते, अरबी फूड हम भी बना सकते हैं, ओवन नहीं हो तो क्या हम गैस पर पतीली में बनाएंगे। तो फिर इसके बाद ये टमाटर लगा लीजिए इस तरीके से, टमाटर डाल दीजिए ऐसा
पर्थ बाय पर्थ यानी क्या बोलते हैं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, रेत पे क्या बोलते हैं उसको लगा के, नहीं रेल बोलते ना एक के ऊपर एक लगाना, तो सॉरी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मुझे जो है इंग्लिश आती नहीं, क्यों अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं कोई इतना घर काम नहीं करती ना, अच्छी जॉब करती, तो इसलिए इस तरीके से आप ये सब सब्जियां को इस तरीके से लगा जी। गाजर भी सेहत के लिए अच्छा होता है, अब वहाँ पे फूड में हर फूड में आपको मतलब हर कोई सा भी मटन बनाओ, चिकन बनाओ, बीफ बनाओ, सब्जी ज़रूर डलेगी क्योंकि सब्जी बिना वो खाती नहीं। गाजर से लेके और दुधिया टाइप का एक कूसा बोलते हैं उधर, दुधिया टाइप का छोटा छोटा सा होता है, यहाँ पे दूधी होती है वहाँ पे भी कूसा होता है, वो छोटा सेम दुधिया ही रहता है वो, लेकिन छोटा छोटा रहता है उसको कूसा बोलते हैं, तो वहाँ वो लोग कूसा डालते हैं और अपना भिंडी तक डालते हैं, भिंडी को वो लोग बामिया बोलते हैं वो तक डालते हैं। ये तो अपन इस तरीके से अभी इस तरीके से इसको लगा लें। अब अपनी बारी आती है चिकन की, तो चिकन को हमें क्या करना है, चिकन को भी हमें मैरिनेट करना है, किस तरह चिकन को भी ले लेना है, हमें चिकन को भी मसाला लगाना है इस तरीके से दो। ओके, तो ये चिकन मैंने, चिकन को भी मैरिनेट करना पड़ेगा, तो इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरीके से, हमने सब्जी में अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालता क्योंकि हमें चिकन में डालना है, तो इस तरीके से आप आधा किलो हैं तो अपने हिसाब से, मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना इस तरीके से। पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालना, इसमें भी आप हल्दी डालना इस तरीके से, आप हल्दी डालना। मैं फिर आपको बता रही हूँ ये जो डिश है ये ओवन में बनती है, मेरे पास ओवन फिलहाल है नहीं, दिवाली है तो पटाखों की आवाज़ आ रही है डेफिनेटली, और मेरे पास जो है ना ओवन है नहीं, तो इसके लिए जो है मैं इसे पतीली में बना रही हूँ इस तरीके से। इसके ऊपर गरम मसाला इस पर भी थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने सब्जी में पहले डाल रखा था, इसलिए इस पर थोड़ा डालेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची, मैंने आपको पहले भी बताया है वहाँ माजून डाला जाता है, माजून एक टमाटर का पेस्ट होता है जो डब्बे में आता है, मुझे अभी यहाँ मेरे तरफ वो मिलता नहीं है, तो कलर के लिए उसी की तरह कलर आए करके हम कश्मीरी मिर्ची डालें, कश्मीरी मिर्ची डालो क्योंकि कश्मीरी मिर्ची तीखी नहीं रहती है इसलिए। फिर इसमें भी चिकन में भी हम टेस्ट आने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें भी हम काली मिरी का हल्का सा काली मिरी का पाउडर डालेंगे। हाँ, हमने ये डाल दिया सब इंग्रेडिएंट, और नमक डालेंगे हम अपने हिसाब से, हिसाब से आप डालिए, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ क्योंकि हमने सब्जियों में भी नमक डाला था, इसलिए नमक ज़रा देख के ही डालना क्योंकि नमक का, नमक जो होता है मेन होता है जो सब्जी अच्छी भी करता है ख़राब भी करता है। फिर इसमें हम डालेंगे हल्का सा सिरका, विनेगर यानी सिरका यानी खल, वहाँ पर इसे कहते हैं खल, हल्का सा बस, ये जो चिकन में जो बिसान ऐसी महक है वो ना आए और चिकन जो है हमारा अच्छी तरीके से गल जाए, ये मैं आपको जल्दी करके बता रही हूँ इसके लिए, नहीं तो इसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है अपना 15 से 20 मिनट, लेकिन मैं आपको इसी तरह बताऊँ। इसमें हम फिर तेल डालेंगे, अरबी फूड में तेल बहुत कम पड़ता है इसके लिए, थोड़ा सा हम सब्ज़ी पर भी तेल डाल देंगे, सब्जी में भी थोड़ा जायका आने के लिए, ठीक है। फिर हम इसे अच्छी तरह अपने हाथों से इसको मैरिनेट करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम इसको मैरिनेट कर लेंगे इस तरीके से, मैरिनेट कर लेंगे, मैरिनेट। मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मेरी बड़ी बहन अभी आई है तो वो मुझे बता रही है, अगर मुझसे थोड़ा सा बोलने में कुछ वो हो रहा है तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ आपको, मैंने पहले ही बोला। फिर जिस तरह से हमने सब्जियों की लेयर लगाई है इसी तरह हम चिकन की लेयर भी इस पर लगा देंगे इस तरीके से। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये डिश जो है ओवन में बनने वाली है, पर हम इंडियन है कुछ भी कर सकते हैं, तो हम जो है इसे अपने गैस पर बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसे ऊपर से इस तरह रख देंगे, देख रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और इसी तरह अच्छे अच्छे फूड्स वगैरह और रेसिपी चाहिए तो फिर प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, मेरी नई नई वीडियोस फर्स्ट आप देख ही सकते हैं, और सब्सक्राइब करें प्लीज़, और चैनल को मेरे आगे करें और कमेंट्स में ज़रूर बोलें, अच्छी लगी तो भी कमेंट्स करें और नहीं अच्छी लगी तो भी प्लीज़ कमेंट्स करें, ज़रूर कमेंट्स में बोलें, इस तरीके से आप मुझे बता सकते हैं। इस तरीके से देखिए पूरी लहर लेयर हो गई है ये, ठीक है।
ये अरबी फूड हो, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अपना इंडियन टच इसलिए बोला है क्योंकि इसमें अरबी लोग स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाते, मैंने इसमें थोड़ा सा स्पाइसी डाला तो इसलिए ये अरबी और इंडियन फूड स्पाइसी हो गया है। इस तरीके से हम इसको देखो, इसका टेक्सचर देखिए, इसका कलर देखिए किसी तरीके से। अब ये जब बनेगा फिर इसमें हम थोड़ा सा, जैसा चिकन तो अपना पानी छोड़ता है इसमें, इसके लिए अभी हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा बस पानी डालेंगे हल्का सा। इस तरीके से इसको हम पूरा मसाला ले लेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरीके से हम पूरा मसाला ले लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा सा पानी इसमें डाल देंगे, ये वाला ये जितना भी है ये पानी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर डाला है, प्याज डाला है सब, तो वो सब भी पानी छोड़ेंगे और जो चिकन है वो भी अपना पानी छोड़ेगा। तो ये हो गया है प्रोसीजर मेरा इसको रेडी करके। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे इस तरीके से, और ज़्यादा आँच नहीं रखना है इसको, मीडियम आँच पे ही रखना है। पहले इसको थोड़ा सा उबाल आने के लिए फास्ट आँच पे हम रखेंगे, फास्ट गैस पे थोड़ा सा हम इसको रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। बस उबाल आने के लिए, जब ये पकने लगेगा तो फिर हम इसे स्लो कर देंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। जब ये बन जाएगा उसके बाद मैं आपको इसकी किस तरीके से बनाए, किस तरीके से इसका कलर आया वो मैं आपको फिर दूसरी बार रिजल्ट मैं आपको शेयर करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखो मैंने जो आपको रेसिपी बताई थी चिकन की, वो अभी मेरी रेडी हो चुकी है। ये चिकन मेरा तैयार हो चुका है और ये रहा उस, ये देखिए इस तरीके से वो बन चुका है और मैंने सर्व कर चुकी हूँ। तो ये जो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये ओवन में बनता है, तो मैंने पतीली में बनाई है। इसको थोड़ा सा ना ऊपर भी स्टीम देते हैं ताकि उसका लुक और चिकन का अच्छा है। तो मेरे पास ओवन नहीं था इसीलिए मैंने इसको इंडियन लुक में घर में बनाया। ये रेडी हो चुकी है, अब मैं आपको इसको खा के बता रही हूँ। और मैंने खाना इसलिए इतना सा लिया है क्योंकि मैं डाइट पर चल रही हूँ और आप लोगों के वजह से मैं फिर ये खाना पड़ रहा है मुझे, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ, टेस्ट करके दिखा रही सब। हाँ, टेस्ट करके आपको मैं दिखा सकूँ। ये मैंने थोड़ा सा आलू लिया है और जेजर जो ये गाजर जो मैंने डाला था वो, और थोड़ा सा चिकन। माशाल्लाह इतना अच्छा इसका टेस्ट आया है और स्पाइसी भी बना है और अरबी फूड है। अगर आपको ऐसा चीज़ और चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। बन कर